हूं मधुबाला और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। नीरज कुमार ने राजद सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लालू यादव की संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी राहुल की मटन पार्टी पर गरमाई बिहार की सियासत। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में कांटा लगा है। इसी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में कांटा नहीं लगा है, लेकिन तेजस्वी यादव को जरूर लग गया है। 34 साल का नौजवान व्हीलचेयर पर बैठा है। मई का महीना खत्म होने जा रहा है और जून की शुरुआत हो रही है। 3 दिन का समय बाकी है और उसके बाद पहली तारीख से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए एक बार फिर कुछ लोग समुद्र की गहराई में जाने की योजना बना रहे हैं। पिछले साल एक पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में गई थी, तब हादसे का शिकार होकर फट गई थी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। अमित शाह ने नवीन पटनायक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं नवीन बाबू को अक्सर ओडिशा में झोला छाप सरकार कहता हूं, वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो राशन ओडिशा में दिया, नवीन बाबू ने उस पर अपना झोला चला दिया। नवीन बाबू ने अपनी फोटो वाले झोले में अनाज डालकर जनता को दे दिया। इसी तरह से पीएम आवास में उन्होंने अपना नाम दे दिया। हर घर नल से जल को भी अपना नाम दे दिया। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से निष्कासित होने पर अब पवन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पवन सिंह ने कहा है, मुझे सांसद बनकर पैसा नहीं कमाना है, जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं लिखकर दे दूंगा कि मैं सांसद बनने के बाद सांसद को जो पैसा मिलता है उससे रोटी नहीं खाऊंगा। फेमस हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया तीसरे पार्ट को लेकर लाइमलाइट बटोर रही है। फिल्म के शूटिंग शुरू से हो चुके हैं। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी के बाद फिल्म से उस शख्स का भी नाम रिवीज हुआ है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस हॉरर कॉमेडी मूवी में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की एंट्री कन्फर्म हो गई है। भूलभुलैया 3 के सेट पर उन्हें ब्लैक साड़ी में देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनील सेठी मल्टी स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल में एक डॉन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनील सेठी इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और जॉनी लिवरसन फुल ऑन कॉमेडी के मूड में दिखाई देंगे। पोर्टल से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि सुनील का किरदार एक प्यारे डॉन का होगा। अब टीम इंडिया का मिशन T20 वर्ल्ड कप 2024 कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय टीम अपने सफर का आगाज 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ मैच खोलकर करेगी। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ एक वार्मअप मैच देखने का भी मौका मिलेगा ताकि तैयारियों को परखा जा सके। इस बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए ये T20 वर्ल्ड कप किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसे ही देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24 के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।